पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्वविद्यालय की मांग को लेकर छात्रों ने जताया विरोध, किए जूते पॉलिश। मुरादाबाद मंडल में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने मुखर आंदोलन चलाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुरादाबाद डीएम कार्यालय के बाहर छात्रों ने विरोध करते हुए कई घंटे तक जूते पॉलिश करते हुए प्रदर्शन किया। मुरादाबाद मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय की मांग पुराने समय से उठती रही है, जिसे लेकर मुरादाबाद मंडल के संगठन अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं। आज इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मुरादाबाद की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए मांग उठाई कि मुरादाबाद में एक सरकारी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के हजारों छात्रों को अपनी जरूरत के समय 100 किलोमीटर से भी अधिक सफर तय करके बरेली जाना पड़ता है। इन सभी मांगों को लेकर सैकड़ों छात्र कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच गए और डीएम कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप आम लोगों के जूते पॉलिश कर विरोध जताना शुरू कर दिया। ये छात्र भाजपा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी जूते पॉलिश करते हुए केंद्र सरकार तक संदेश पहुंचाया जा रहा था कि अगर जल्द ही मुरादाबाद में सरकारी विश्वविद्यालय नहीं बना तो सभी छात्रों को मजबूरी वश जूते पॉलिश कर रही गुजर बसर करनी पड़ेगी। अभी आपने देखा कि हमने पिछली 10 तारीख को यहाँ पर ज्ञापन दिया था, उस पर अभी तक सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी अपना बयान नहीं दिया कि यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं बनेगी या किस लिए नहीं बनेगी। तो अभी तक कोई भी वन आने की वजह से हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 7 दिन आज पूरे हो गए, इसलिए हमने आज निश्चय किया कि हम जो डिग्री धारक हैं आज बूट पॉलिश करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या जताना चाह रहे हैं, मतलब बूट पॉलिश करके क्या क्या है, आप क्या मैसेज रहा? जैसे कि आपने देखा था कि मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश का युवा बेरोजगार नहीं है, पकौड़े तल के वो अपना रोजगार कर सकता है। तो हाँ, बेरोजगार नहीं है, पकौड़े भी तल सकता है और बूट पॉलिश करके भी अपना घर का अपना खर्चा चला सकता है। इसलिए हमें ये संदेश दिया कि हम बेरोजगार है नहीं, आप लोग हमें बनाना चाह रहे हैं, हम बूट पॉलिश करके भी अपना रोजगार चला सकते हैं। क्या मांग की गई है मुख्यमंत्री? हमें तो एक ही मांग है कि हमारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और शासन चुनाव जल्द से जल्द घोषित होने चाहिए।